जली को राख कहते हैं, भुजी को खाक कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे कृष्ण भैरवी कहते हैं। ये तो मेरी अभी टेलर है 18 रील की फिल्म बाकी सेठ। क्या सेठ क्या बोलता, क्या मां कसम जो डर गया सो मर गया क्या? ये नारियल बहुरूपियों के नाम। अच्छा, ये नारियल बहुरूपियों के नाम, बहुरूपिया ने डेरे का नाम, अरे तेरी मेरी दोस्ती। जय माता। तुम्हारा नाम की है? मेरे नाम, नमस्कार सर जी, मेरा नाम कृष्ण बहुरूपिया। असी जाति के डूम मरासी हाँ, पहले पंजाब चले रहे थे लुधियाने से। मेरी मम्मी लुधियाने की सी, मेरा पापा दिल्ली का सा। दिल्ली सानू कम से कम पहले पहाड़गंज से सी, पहाड़गंज चुगियाँ लाइया। सो कहते ने कहावत है कि तोड़ा डेरा लद्या जावे जी। राजस्थानी च भी गाना चले, वो भी डेरा, यानी कि घोड़े खच्चर के डेरे लगाते से, दूर दूर जाते से गाँव गाँव। हमारे सब गली वाले लोग बाग जो है, मोहल्ले वाले जो लोग बाग है, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते लोग बाग है। हेलो, हाँ जी, मैं थोड़ी देर आ रहा भाई, मेरा एक किसी से शॉर्ट चल रहा है, इसी वजह से तो कह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। पहले असी दर दर घूमते से, पहाड़ गए, चांदनी चौक, लाल किला, कोड़िया पुल, तिलक नगर, आवेखो मोती नगर, चुकंडी, शादी पंडी पुल, पटेल नगर, फैक्ट्रियाँ, सब्जी मंडी, और लेबर जो सेव करता है बेचारा नाई, उस तो भी मंगना है, जो बूट पॉलिश करता है उस तो भी मंगने हैं। फिर मगर एक चेहरे तो दो चेहरे बना के, यानी अपना रूप बदल के, पब्लिक नू हंसा के, पब्लिक का मन खुश करके। फिर सानू भी कोई दिंदा है, कोई नहीं भी दिंदा है, कोई समझदा भाई सवेरे सवेरे काला मुँह सर करके आ गए, साड़ी बोनी नहीं हुई और तुम सवेरे आ गए, चल चलो। हम तो जो जीवन में जो जीते थे वो एक परिवार संबंधी जीते थे,
घबरा मत करो, चिंता मत करो, ऐसा ये मेरा वीडियो कर रहे हैं आपका नहीं सर। आप चिंता मत करो, आप सोचो मत, ये तो मेरे पे बन रही है। तो इस तरीके से जो लोग बागों का जीवन है, अब जैसे यारी दोस्ती का जो जीवन है, वो एक दूसरे से मिल कर के रहना, एक दूसरे से मिल के सहना, ये हमारे जीवन का उसके मामला है। एक चेहरे पे कई चेहरे बना लेते हैं लोग। और फिर राज कपूर, मेरा नाम जोकर उदित भी भैरूपीन, और राज कपूर ने रूप बदला, राज कपूर का सॉन्ग उन्होंने किया कि जग के हंसाने के लिए रूप बदल के भैरूपिया फिर आएगा, इधर भी गाना बनया। एवं एक भैरूपिया यानी खानदानी तो राजे महाराजा तो पहले पिक्चरां नहीं चल दिया सियाँ, ना कोई थिएटर से, पहले रामलीला ड्रामा जिन्हों ड्रामा कहते से, जिन्हों कहते से नाटक आ रहा है, नाटक दिखा रहा, कोई कहता सा नौटंकी ड्रामा यूपी च, अरे का कर रो लल्ला, अरे नौटंकी तो देख रहा है ना देख रहा है, अरे कछो हमारे अलीगढ़ में नौटंकी ऐसी हुई, बस हमारा मन सुखिल गयो। तो भगवान कृष्ण ने अपना रूप बदला, भगवान शंकर ने अपना रूप बदला, उसकी भूमिका से आपने देखा होगा एक गाना है कि एक नाच दिखाओगे तो सदा रहूंगी साथ, और दाया हो कमर पे और बाया हो सर पे हाथ। तो भगवान शंकर ने तांडव करके दिखाया, तांडव जब करके दिखाया तो पार्वती गोरा जो थी उनके पीछे पीछे चल दी, बोले भाई ये तो मामला अजीब गरीब है। तो आर्ट में हुनर में उसने अपनी कला का एक दौर दोहराया, तो कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ ऐसा कला का प्रदर्शन किया कि कभी कृष्ण बनना, कभी भोलेनाथ बनना, कभी शेर बनना। अरे भैरूपिया जी आयो, ए बावन रुपियो आयो, अरे भैरूपियो जी आयो रे, अरे भैरूपियो आयो। तुम क्यों करते हो ये काम? उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई चीज ही नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई चारा नहीं है जो हम दूसरा कुछ करें। बोला जी हमारे बाल बच्चों की रोटियां चलती है, हमारा गुजर बसर चलता है इस चीज से। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, बूंद बूंद से बाल्टी बढ़ती है। तो ये जी कलाकारी है, ये सोने का पहाड़ है, ये धीरे धीरे खाते रहो, ये साड़ी खानदान तो अगे हूँ मेरा पोता हो गया, अगे दा पोता होएगा, अगे मेरी औलाद दी औलाद होएगी, यानी राष्ट्रीय कलाकार हैं भैरूपिये धूम मरासी। तो उस जमाने में द्वात्रा तियात्रा राजा महाराजाओं से अंग्रेज के शासन से जब चला, तो द्वात्रा तियात्रा के अंदर ना कोई नाटक करने वाले थे, ना कोई ड्रामा करने वाले थे, ना कोई थिएटर पार्टियां करने वाली थी। एक समाज के लोग बाग, एक जाति भाट जो थी, वो अपनी कला का प्रदर्शन उसने अपने दिमाग से चलाया। पहले के जमाने कुछ कदर भी सी, उनके जमाने कुछ कदर नहीं रही, क्यों वीडियो चल गए, फिल्मा बन गई हैं, नाटक चल गए, पहले एक रुपया सा उन चुनी रह गई थी। इसकी शोहरत है, जिसका नाम है, उन्हों वो लोग आगे पहुंच जाते हैं, हम लोग अपनी उसी मामले को, मरे हुए सांप की लिकट को आज भी कूट रहे हैं।
सांप मर जाता उसके बाद में फिर भी डंडे दे रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्योंकि मैं उस चीज को लुत्फ नहीं होने दे रहा, मैं उस चीज को ये तुलना में नहीं तोल रहा कि हम कमजोर है, नहीं। आज हमने दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, महाराष्ट्र, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद कर रखा है, शोहरत है, नाम है, फिल्म इंडस्ट्रीज में नाम लिया जाता है कि बोल गोरी तेरा कौन पिया, मैं जानू ना तू जाने, मेरा साजा ने बेरूपिया। तो बेरूपिये का जो हुनर है वो टैलेंट है, वो कमजोर नहीं है। पूछ बन के, बांदर बन के, काला पीला मुंह करके घूम रहा है दुनिया, कुल्लू बना रहा है दुनिया, बना रहा है, काम नहीं कर सकते। असी और की कम करांगे सर, साडा खानदानी कम है ही है, साडे राष्ट्रीय कलाकार असी देश विदेश साने नाम कमाया, सापी टिकट कमाए ने, तालियां कमाइया ने, यूरो, डॉलर, पाउंड, रियाल, द्राम ये भी कमाया है। दस्सी से मेरे और राष्ट्र बुझाऊं धारी, राम क्या लड़ेगा मुझसे, कर ले अपनी तैयारी। सत्य बचन और सत्य जाए निशान की, सत्य बचन और सत्य जाए निशान की, जाने न दूंगा सीता और श्याम की। सीते सीते रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और खाना विश्व शादी के नाम से छोटी से बड़ी से उसे उन इसे सीरा से आम उसे उन। इतना बड़ा परिवार कैसे? किसका? मेरा? हाँ, आबादी बढ़ती गई, मैं भी बच्चे बढ़ाता हूँ। सच्ची में? तो मैं भी आप सच्ची में पूछ रहे हैं? मैं मुच्ची में, मैं मुच्ची में कह रही हूँ, आप सच्ची में? सच्ची मुच्ची तो कह रहे हूँ, भगवान की देन है, तो मैं भी बॉर्डर के लिए भेजूंगा, बच्चे जवान हो गए तो। एक और बच्चा अभी होना है? हाँ, बस दिवाली तक हो जाएंगे, हो जाएंगे। हम क्या करें गवर्नमेंट में भाई आ रहे, आबादी बहुत हो गई रे, मैंने करवाया रे, जो इंदिरा गांधी और राजीव संजय गांधी ने करवाया रे, मेरी नसबंदी करवा दो, मेरी नसबंदी करवा दो, मेरी नसबंदी करो, नसबंदी करवा ली सर, क्या करें, नसबंदी। हमारी औरतें कभी काम नहीं करती इस काम को, हमारी जो औरत है या घर की बहन बेटी वो नहीं करती, हमारे तो परिवार संबंधित मामला है। एक और बात बता रहा हूँ, हम किसी और दूसरी कौम से या किसी दूसरी जात से अपनी ब्याह शादियाँ नहीं करते हैं, हम तो अपने ही समाज में करते हैं, अपने ही लोग बागों में करते हैं। ये आपा जड़ा है ना, ये किराए के कोठरी थे, किराए के कमरे थे, जिम्मे किराया पे आ पूरा जिंदगी, बंदा बंदगी नहीं तो कोरा गंदगी है। फिर वही इंसान भी जो चीज़ कमांदा है इंसान, अच्छाई और बुराई, जब मर जाएगा तो कहेगा यार वो बंदा अच्छा सा, कृष्ण मर गया यार अच्छा नहीं होया, बड़ा अच्छा आदमी सा, और ये कृष्ण मर गया तो यार वो बड़ा बेकार आदमी सा, लड़दा सा, खराब सा, शराबी सा, गंजाड़ी सा, चोर सा, वो बुराई आ गई। इंसान दो चीज कमांदा सर, ऐसा ही एक जैसे कोई लोहार बड़ाई है, कोई मुगल है, कोई पठान है, तो उसने एक इतिहास में लिखा कि मैं बहरूपिया, भय नाम भूत, भय नाम बहरूपिया। हाँ आमिर खान बताओ। वालेकुम अस्सलाम, हेलो,
मैं दिल्ली में हूँ, बताओ आप आदेश करो। ऐसा एक वो एक शॉट चल रहा है, वहीं बैठा था घर पे ही। और सब ठीक ठाक है? शुरू मेरा सीन सीबा और अंदा सा जमुना नगर, जगाधरी जमुना नगर, कुल 76 तो अगे उन्हें काम चलाया। उस तो मैंने काम सीखा, उसके कपड़े धोए, बूट पॉलिश करी, साल की कमाई उन्हें खुवाई। फिर आपनों पता है कि गुरु ज्ञान, ज्ञान जो गुरु तो भी पतला और पानी जो ज्ञान तो भी पतला। मेरे फादर जो थे, तीन भाई थे, एक गांव में रहते थे, और मेरे जो चाचा और मेरे फादर जो हैं बाहर, मेरे फादर गुजरात गए, हमारे चाचा और दोनों ये गुजरात में रहने लगे। मेरा चाचा और मेरे फादर जो है दोनों एक साथ अच्छे आर्टिस्टों में से माने जाते थे। मैं पैदा राजस्थान में हुआ और मैंने जो शिक्षा जो उर्दू की तालीम पाई वो सहारनपुर से पाई, क्योंकि हम लोग जगह जगह जाते रहते थे। मेरे गुरु जो हैं जिन्होंने मुझे ये आर्ट दिया, हुनर दिया, तो मेरे चाचा मेरे गुरु हैं। मैं आज भी इनका मान सम्मान करता हूँ। चाचा अपनी जगह है, मगर गुरु विद्या जो दी वो मेरे चाचा ने दी, जिनका नाम शकूर अहमद है। कौन गुरु कौन चेला रे बंदे, कौन गुरु कौन चेला, दो दिन का ये मेला रे दुनिया का, दो दिन का ये मेला, भांड करे भैरुपिया अपना खेला रे बंदे, कृष्ण भैरुपिया भांड करे एक खेला। कितना गेटअप कर रहे हो तुसी? ए सर जी, गुरु चेले दा गेटअप ए रहा होंदे ते एक नजर आंदे ने दो, मतलब जे सारे पुतला है, ये भी एक कलाकार ही है, पर्वत तो पारी है। जिवें मेरे पापा जी ने कहा सा, कुछ सानू सदियों साल हो गए, 15-16 साल तो मैं भी कम कर रहे हैं, मेरे भरा भी कम कर रहे ने, मेरे फादर भी कर रहे ने। आपको किसने सिखाया? सिखाया क्या भी है, तो पेट के लिए क्या नाम से, उमर अय्यार से चला हुआ है ये, उमर अय्यार से चला हुआ है। फिर बाद में सब अपना अपना हिसाब किताब के नाम से, इसमें कमाई अच्छी होने लगी, दूसरा भी सीख गया, तीसरा भी सीख गया। हैं बहुत से आदमी हमारे अनपढ़ भी यूँ रह गए, क्या नाम से, कोई धंधा तो था नहीं, तो इस धंधे के अंदर आदमी कमाता है, बच्चा सा भी, क्या नाम से। आपको कैसा लगता है भगवान का रूप धारण करने में? वैसे जी अच्छा भी लगता है, और अपना काम भी सर, जागरणों में भी काम करते हैं, जागरण में असली ड्रेस होती है जो महंगी वाली होती है, ये अपना प्राइवेट सर जी घूमने के लिए, घर परिवार के लिए, अपना समझो ये अपना एक काम है, मेहनत। उन्हें जंप मारे मंकी बन के, तो दे किल बढ़ गया, वो किल आरम पार हो गया, सेप्टिक सेप्टिक्स तेरे बच्चे बने। मेरा गुरु मर गया तो कम भी मर गया, मेरा गुरु मर गया तो कम भी मर गया। फिर मैंने धीरे 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 अपने गुरु तो कम था सिक्या था सा, फिर धीरे धीरे एक कम दफनाया गया, यानी धरती च जिमें मुर्दा दफनाया जाता ना, ये सारा मैकअप और इस कम
दफनाया गया, फिर धीरे धीरे सामने कढ़िया। आज 20 साल बाद मेरे इनके वार्तालाप कला के मामले में हो रहे हैं, मगर मेरे गुरु जो हैं आज भी उस चीज़ को अच्छी तुलना देंगे, मुझे भरोसा है। हाँ तो वो धोबन धोबी वाला क्या मामला, कैसे उसकी बोली है जरा बोल के बताइए। कहिए साहब, कपड़े उपड़े धुलवाने, फिर ना कहना धोबन धोबी आ गए और कपड़े उपड़े नहीं धोके गए। आपके यहाँ के धोबन धोबी आते हैं नदी को तालाब में धोके चले जाते हैं। हम लोग जमुना घाट, सोरू घाट, कृष्ण घाट, मोहन घाट, बड़े बड़े घाटों और बड़े बड़े तीर्थ धोके जाते हैं। एक दफ़े कपड़ा धो देते हैं, 6 महीने तो खुशबू नहीं जाती, 12 महीने तक प्रेस नहीं जाती। एक टप्पा इधर मारते हैं, एक टप्पा इधर मारते हैं, बिल्कुल कपड़े को साफ निकाल देते हैं। और कपड़े उपड़े धुलवाना तो बोल देना, फिर ना कहना धोबन धोबी। वैसे मैंने मेरी भट्टी तो बंद कर रखी है इस वक्त, अब तो इस वक्त चौमासे के अंदर ही नहीं की चल रही है। देखिए, पैंट की धुलाई में कोट रख लेते हैं, कोट की धुलाई में पैंट रख लेते हैं। हमारा नाम मोची टेकड़ी लिफाफा बाजार डाकघर के सामने रहा करते हैं। विशाल, ये है कि मैं इनकी धोबन हूँ और ये मेरे धोबी। अब इनका बुढ़ापे का टाइम आ गया, मैंने तो इनकी भट्टी बंद कर रखी है, आजकल तो मेरी चल रही है धका धक धका धक धका धक, क्योंकि मेरी लंबी चौड़ी भट्टी रात को भर देती हूँ, दिन को ठंडा कर देती हूँ, ठंडी हो जाती है, 2 लकड़ी और लगा देती हूँ। क्योंकि इनकी उम्र का तगाजा है, मेरी उम्र का तगाजा, क्योंकि मुझ पे तो सवाब है, इन पे बुढ़ापे का खिताब। मैंने तो जितना भी जो काम किया है वो अपने लिए किया, इनके लिए तो जो किया, इनकी भट्टी के अंदर कोयला डालना पड़ता है, मेरी भट्टी के अंदर लकड़ी लगानी पड़ती है, क्योंकि मेरी भट्टी लंबी चौड़ी इनके कोयले से चला करती है। इनके जितने भी आते हैं वो पुराने वाले आते हैं, मेरे तो नए कोट पैंट वाले आते हैं, धका धक धो के प्रेस किया कर देती हूँ। मगर इनके जो लेने देने वाले आते हैं वो बुढ़ापे के टाइम के आते हैं, मेरे तो जवान लौंडे आते हैं, जितने मर्जी धो के फकाफक निकाल दिया करती हूँ। नमस्कार, मैं चलती हूँ। याली तोड़ दुश्मन की नली, भला कर भला होगा, सौदा कर नफा होगा। याद है रब की और खैर है सबकी, याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। या पीर मुझ गरीब का अदना सवाल दे, और जो कुछ समझ में आए वो झोली में डाल दे, और कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दे, और मेरा कफन नबी के पसीने में डाल दे। लाया था मैं अरब से अंगूठी खरीद कर, और सल्ले अल्लाह का नूर नगीने में डाल दे। हर चीज़ करीने की करीने से मिलेगी, और ना मक्के में मिलेगी ना मदीने में मिलेगी, और तस्वीर मोहम्मद मेरे सीने में मिलेगी। तेरे दरबार में ये बात है इब्ने सखी देखी, और तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, और सखावत तेरे दरवाजे के चक्कर काटती देखी। हुब्बे हैदर से हुआ पाक ये सीना मेरा, और पंजतन पार लगा देंगे सफीना मेरा, और बाद मरने के वतन होगा मदीना मेरा। भला कर भला होगा, सौदा कर नफा होगा। ये हमारे चेले हैं, हम इनके गुरु हैं, ये हमारे को तीर्थ यात्रा करवाते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी जगह जाते हैं। अभी फिलहाल झुग्गियों में जा रहे हैं सर जी, केशवपुर मंडी ख्याला गांव के अंदर जा रहे हैं। काली का बना देना, वेखो आप चुन्नी वाली माता बन जाएंगे जी। की उम्र सी जद शादी हुई? बस अमेरिका तो दरो आया आंदे पसाता मां बाप। 14-15 साल? हां 13 साल 15 साल बस इतनी। 15-13-14 साल बस इतनी। तोड़ा की उम्र होएगी 35 या 40 तमन को से। नहीं 50 साल दा तो है। 50 साल मैं कुछ बोले है। 50 साल दा तो बिल्कुल ही जुमला बंदा। और 50 साल दा तो बंदा 9 घंटे नचलाएगा, मैं 9 घंटे कंपनी डेली नचना। 40 या 35 या 45 श्री देवी बता रही मेरी शादी 45 साल, क्योंकि मैं भी काला हूँ, 45 साल। हमारे इस काम के लिए न कोई कांग्रेस है न कोई बीजेपी है, हम लोग तो सबको एक चीज़ सम्मान समझते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसी और पार्टी का आ जाए तो उसको भी हम तो सलूट करेंगे, या हम अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। वो राजनीतिक का प्रोग्राम है, जैसा ही हमारा प्रोग्राम है। अगर आप बीजेपी वाले हैं, आपकी तारीफ़ अगर हम नहीं करेंगे तो हम आपसे क्या लेंगे। और ये जो चीज़ें एक ऐसी है, अगर सामना आ गया आदमी, सामना आ गया तो उसके बयानों से ही खबर पड़ जाएगी कि ये कांग्रेसी है और ये बीजेपी वाला है, क्यों वो तो बयान तो बदलेगा। वो तो ऐसे ही हमारा है, हिसाब किताब है जो के नाम से समझ लो। तो अपनी कला के लिए और पेट का रोजगार है ये एक तरीके से। हुआ, 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 हुआ,
किशन भाई मेरे को एक बात बताओ, ये आपका निजामुद्दीन औलिया पे इतना मालिक ऐसा है, मैंने क्या बोला था कि चमककार से नमस्कार है। तीनों लड़के ऐसे ऐसे तीनों थे, उस टाइम में लड़कियाँ नहीं थी, उसके बाद में बड़ी लड़की हुई थी रेशमा, फिर उसके बाद सबिया हुई, उसके बाद दीपमाला हुई, तो वो मर गई। तो भाई मैंने माता का मंदिर जैसे बना रखा ना, उस पर मिट्टी का तेल लगा के और सच्ची में आग लगा दी। मैंने कहा मगर यार इतनी देवी इतनी माताओं को मानता हूँ, पूछता हूँ, दिल से चाहता हूँ, फिर भी वहाँ बच्ची मेरी लड़कियाँ मार दी, कन्या देवी। तो फिर मेरे को खुंदक आई, वो मैंने मंदिर को आग लगा दी। माता रानी ने ऐसा सुनी, अब ये छः हो गई। वो जो ताबीज पे लिखा था ना अल इल्हा मौत, वो मेरे बड़े लड़के के शिव कुमार के सराहने पे रख दिया, छोटे लड़के पे दीपक के सराहने पे रख दिया, बिरजू के सराहने पे रख दिया। तो फिर वो धीरे धीरे मेरी लड़कियों पे, वो यानी जो बीमारी जो क्रिस्टी जो इन्हें घरों चक्कर गिरना था ना मेरे लड़कों पर, तो वो लड़कियों पर गिर गया। तीन लड़की मर गई। अच्छा, तो जब ही हम सभी बाबा निजामुद्दीन वाले की ऐसे, तो ये जो ये डोरी है बाबा निजामुद्दीन की, ये डोरी जो निजामुद्दीन की, वीरवार को जाते हो? हाँ, वीरवार को, हर वीरवार को जाते हैं बच्चे लोग। कहाँ पे? निजामुद्दीन सर शक्ति से चमत्कार से नमस्कार है, जब वो चमत्कार दिखाते हैं तो दुनिया उनको नमस्कार करती है। जो कोई भी मान लो, शंकर मान लो, भगवान मान लो, भोले मान लो, अल्लाह मान लो, रहीम मान लो, गॉड फादर मान लो, कोई भी मान लो। सन 47 में राजस्थान के अंदर एक गदर हुआ था। मेरी टोपी दे दी नीचे से। उस टाइम जो लोग बाग मुसलमान बन गए, क्योंकि वो मुगलियत में जो मुसलमान बन गए तो वो मुसलमान ही पैदा रह गए। अब उसमें ये नहीं देखा उसने कि ये हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है या ईसाई है जन्म। अब जिस कौम के लोग बाग हैं तो वो कलाकारी तो प्रदर्शन करेंगे, कलाकारी तो मादम करेंगे, ये तो नहीं कि वो अपनी कौम बदल दे। अब हमारे पास जो नाम था तो हमारी उसी से तो बना हुआ था या उसी के तो लायक से बना हुआ था, तो हमारे पास तो वो जो मामला था, तो हम तो मुस्लिम थे तो मुस्लिम का ही खिताब मिला हमको। अब ये हमारा पुश्तियानी काम जो है, इसको हम भूल नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं सकते, इसको करने में हमें कोई बाधा नहीं है। मगर हमें ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा है। जहाँ कुरान का मामला है तो हम मुस्लिम हैं, गुरु ग्रंथ का मामला है तो हम उसको समझाते हैं कि हमारा मैटर ये है। जहाँ ईसाई वाला मामला या पादरी वाला मामला है तो हम उसको ही बताते हैं कि पादरी से ये संबंधित है। रामायण तो हमारे इतिहास में लिखी हुई अच्छी तरह से जानकारी है। कहीं हमें काम मिलता है भाई राम लक्ष्मण का काम करना है, अब जैसे रामलीला दशहरा आता है उसमें हमारे पास अलग अलग थीम आती है तो हम दशहरे में काम करते हैं। हम ये चीज वहां नहीं दोहराते हैं कि भाई हम मुस्लिम हैं, ये मैं हकीकत पहले बता रहा हूँ। काम वही करेंगे, हुनर वही करेंगे, मगर इस चीज का दौर नहीं दोहराते हैं कि मुस्लिम। Okay.
राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट अलवर है, तो डिस्ट्रिक्ट तो है अलवर, तहसील थानागाजी है और तहसील थानागाजी से 15 किलोमीटर मेरा गांव है जिसको काबलीगढ़ के नाम से जाना जाता है। वहां का मेरा निवास स्थान है, मेरी माँ रहती है, मेरे भाई का परिवार रहता है, मेरा भी मकान है वहां पे, जो पुस्तियानी से शुरू से जो मकान मेरा भी है वहाँ पर, भाई वगैरह उसको संभालते हैं, भाई वगैरह उसको देख रेख करते हैं, यही हमारा काम है। वहाँ की मेरी जन्मभूमि है, जो मैं जन्माष्टमी से वहाँ पैदा हुआ हूँ। उसके बाद मैं 12 साल की उम्र में दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद मैं कर्म भूमि जो है दिल्ली में है और जन्मभूमि राजस्थान में है। कहाँ के रहने वाले हैं? बरसाने के पास का रहने वाला। बरसाने के पास के रहने वाले हैं जी। यहाँ कितने साल से रहते हैं? 3 साल से। 3 साल से। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नन्नू राम शास्त्री जी। नन्नू राम शास्त्री जी। यस। लेकिन मेरा नाम तो अब्दुल हमीद है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम जो भूमिका निभाने आए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमारा एक सीरियल है, उसको तैयार कर रहे हैं। आपके सीरियल का शुभ नाम? तो हमें आपकी जगह पसंद आई। भगवान का स्थान है, देवासी का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, तो इस कारण से आपसे हमारी मुलाकात हुई। बहुत अच्छी बात। पंडित जी, आप अनुमान लगा सकते हो कि अब्दुल भाई क्या करते हैं? मैं गेस कीजिए। ये अब इससे तो यही अंदाज लगेगा, जब ये बता रहे हैं कि मैं सीरियल में हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सीरियल का है। सीरियल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री है वैसे। अच्छा, ज्यादा न्यूज टाइप का काम ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप गेस तो कीजिए। नहीं, मैं नहीं कह पाऊंगा। जॉब के साइड में हम लोग आर्टिस्ट, जॉब के साइड में कह सकता हूँ, कोई भी वर्किंग से ऐसा। पंडित जी, हम तो आर्टिस्ट हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कला कर सकते हैं, कुछ भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लागे जो कर इस तरीके से हम लोग आर्टिस्ट हैं। मैं आर्टिस्ट तो एक कलाकार होता है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने आप में, एक भगवान सरस्वती की दी हुई एक खूबी होती है कलाकार के पास। तो लेकिन हम पंडित जी, हम इसलिए कह रहे हैं आपको, आपने हमारी बात को गलत सोचा कि नहीं, अगर नहीं, 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 नहीं। एक स्टेज पर आने पर आदमी कला एक दायरे में होती है। हमारे यहाँ भ्रमण बनना मेरी बात तो, आप शायद हिंदी कम समझते होंगे, मिस्टर इंग्लिश बोल रहे हो कि मैं तो वैसे मैं भी एजुकेटेड हूँ। हाँ, तो मैं भी तो कहने का मतलब एक मेरे हिसाब से दिल से एक दायरे में कला सुंदर अच्छी भगवान का रूप लगती है। अगर उसको थोड़ा सा ओपन कर दिया जाए तो भद्दी लगने लग जाती है। बुरा मत मानना। आपने भैरूपिया का नाम सुना है? यस यस यस। ये आया आया आया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए आपको। नहीं, 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 कोई भी आदमी भैरूपिया नहीं, नहीं भैरूपिया नहीं। किंगडम ऑफ ड्रीम्स ज्यादा मजा आता है, पब्लिक का प्यार मिलता है, इतने भी मिलता है। मार्केट की बात कुछ और है और स्टेट की बात कुछ और है। की फर्क है? फुटपाथ का बात कुछ और है। मालिक बुरा नहीं मानना, फुटपाथ फुटपाथ ही है और जो
स्टेज है, स्टेज ही स्टेज पर बंदा इतना नुचकार के उतु भी गुरु का नाम लेके चढ़े गई। फिर मगर आपको पता है फुटपाथ से कोई कहता कि भाई बोनी नहीं हुई है। हाई कर दे पौली, तू भी कर दे। शर्म दी असी लेडीज़ दे मैकअप नहीं लगा सकते बनरी का, उन्होंने कुछ बना दी दुर्गा बना दी है जो उसका रूप है, जो लेडीज़ का रूप है उन्होंने लेडीज़ बना सकते हैं। जो इधर एम पी देने राजस्थान देने पंजाब देने हरियाणा देने इन्हों की औरतें मार्केट च भी नहीं जाती। अब हमारे गांव में जो आबादी जो है वो 200-250 लोगों की मकानों की आबादी है, और वहाँ जो लोग बाग जो हैं एक जाति मीना से बेल्ट ज़्यादा है, फिर उसके बाद में एक जोगी कौम होती है, जोगी नाथ जिसको बोलते हैं, तो नाथों की आबादी है। फिर जागा एक कौम होती है, जागा जो जाचिक जागा होते हैं वो हमारे गांव में हैं, और एक मकान जो है हमारा वहाँ पर है। तो अकेला आप ही का है मोमडन? हाँ, मोमडन माइनॉरिटी में, बाकी सब हाँ बाकी सब कुछ हिंदू प्रस्थिति से ही ज़्यादा संबंधित है मामला। तुम बजनी हो ना, तुम्हें दादा की तलाक है ना, बजनी है, है? देख रिंग डालती है, रिंग डाला हुआ है इन्होंने, और ये वो हैं एक्रोबैट करने वाले। जब ही तो उनकी जात मैंने कही है बजनी है, बिलासपुर के बजनी है। अरे ओकरा ओकरा हो गए थे जो, तुम बजनी हो ना बेटा, बजनी हो ना बिलासपुर के। अब उसकी मैंने जाति पकड़ी है ना मैन चीज, बिलासपुर के बजनी है। ये इधर रख लिए बैठे ढोलक ढालक लेके, ये बैठे लाल बत्ती भी, इनके बच्चे खेल करते वो खेल खेल कर वैसे सर के साथ वो जो पूरा, ये भी बारापाल में लिखे जाते हैं, कठपुतली वाले भी बारापाल में, जो मिलसैत है वो भी बारापाल में, कलंदर है वो भी बारापाल में, जोगी है जो बीन वाले वो भी, जिसको कहते हैं सपेरा सपेरा, वो भी बारापाल में। ये आपका घर है? नहीं, ये तो छोटे भाई का मकान, ये तो मेरा है सर। अच्छा, ये छोटा है मुझसे, काफी है। काफी छोटा है ये, और ये मेरे घर से है ये, इनकी ये जो हमारे शुरू से जो परंपरागत का जो पुस्तियानी गांव जो है मेरा, जो पुस्तियानी गांव जो है ये है, ये मेरे बहने हुए हैं, ये मेरे बहने हुए हैं, ये भाई की बेटी है छोटी, क्या नाम है तुम्हारा? मन्ना। ये मन्ना है जी, मन्ना बहुत अच्छी है, मन्ना हाँ, ये मन्ना जो है ना बहुत अच्छी है। तो तू अब कौन सी पढ़ रहा है? छठी में। कैसी पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? इस गांव के लोग बाग जो थे वहाँ हमसे बहुत ज़्यादा, हमारे बुजुर्गों से बहुत मोहब्बत करते थे, और 1947 के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मामला हुआ तो हमारे वहाँ परिवार के जो लोग बाग थे या हमारे लोग बागों को मतलब लोगों ने नहीं जाने दिया पाकिस्तान के लिए। ये कहा भाई तुम हमारे चाहने वाले हो, हमारे जानने वाले हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम यहाँ से जाओ मत। हम इस तरीके से इसी गांव में अभी तक अभी चल रहा है मामला अपना। तो जी आलक नरंजन आलक बम, उसके तरसूल मारने की कोशिश करी तो वो डर गई। नतालिया, नतालिया का शोर था। मी इंडियन मैम, लुक मी इंडियन गॉड, यू सी यू बिलीव मी, यस सी मैं दिस सेड लेडीज दिस सेड जेंट्स, शंकर पार्वती अदनारेश्वर शेम शेम शक्ति, फिर व्यू अटके दोबारे यू बिलीव मी यू बिलीव मी, फिर मैंने फिर अटके मार दिस सेड लेडीज दिस सेड जेंट्स। तो वो डायरेक्टर साहब और वो दूसरे बोल देते यार किशन तू सीधा कह देकर कि दिस सेड लेडीज बाथरूम दिस सेड जेंट्स बाथरूम। बर्दावली भी ये था, हमारे बुजुर्ग जो थे एक दूसरे के घर जाते थे और अपनी भूमिका निभाते थे, जाचिका का मकसद ये है वो उनको बिड़दाते थे। तो वो क्या है, जैसे 10 किलो गेहूँ, 20 किलो चना, 20 किलो मकई, 20 किलो कुछ इस तरीके से हमें वो
दिया करते थे। जब तक उसका खाते हैं तब तक गाते हैं। राजपूतों की पेश कर रहा हूं मैं आपको कि ताला निसाले वाला। जैसे राजपूतों की सभा बैठी हुई है और हम लोग वहां जाकर के अपनी प्रशंसा करते हैं। ताला निसाले वाला खड़ी खम के वाला, ताला निसाले वाला खड़ी खम के वाला, मारे हिरन के कमर में भाला, मारे हिरन के कमर में भाला, होड़े हिरन का दुसाला। सोदान सिंह जी का सदाई बोल बाला है, राजा मान वालों का सदाई बोल बाला है। ताला निसाले वाला खड़ी खम के वाला, ओडे हिरन का दुसाला, मारे हिरन के कमर में भाला। ना पहले अमेरिका वाशिंगटन गया सा हारिया, उदे बाद न्यूयॉर्क गया सा। वाशिंगटन से मॉन्की प्रोग्राम करा सा, फेस्टिवल मेला होया सा, 13 साल दा सा। उस टाइम शादी वादी नहीं, नहीं शादी नहीं हुई इस टाइम मेरी। इस ते शब्द लिखा होया, इस ते मेरा नाम भी लिखा था किशन मॉन्की। जगलर सा, पैपिट शो सा, एक्रोबैट सा, मैजिक शो सा, मैं मॉन्की किशन भैरूपिया ए रहा। आ रही फोटो बचपन की, 13 साल का सा। आलांगे आले जसलमेर दे जेडे खड़ताल बजाते हैं। बाकी है शंकर पार्वती दी भी फोटो मेरी अलग रही। क्वेडी किंग ड्रिम्स ये अंदर कम करे, उन्होंने भी साफी टिकट दिता है। हाँ लिखा तो होगा हाथी जहाँ बने आला हाथी जहाँ निशान। पढ़ाई नहीं करे, गूंठा चाव आदमी है, अनपढ़ कुछ भी ना पढ़। जब तक बस पूछांगे जब तक पहाड़गन चली जाएगी। फिर अमेरिका आ पुराना डिस्टर है और आदि बाद का डिस्टर है। आ न्यूयॉर्क का भी तो सो आ नवा पासपोर्ट है और आ मेरा राशन कार्ड है हलोम्बी कला मेट्रो बिहार का और आ पासपोर्ट है। ये अली नवा बनया सा, तीन वीजे लगे से। वहाँ बहुत इज्जत करते हैं कलाकारों की, बहुत प्यार करते हैं वहाँ कलाकारों को। वहाँ ये नहीं सोचते भी गरीब है कि अमीर है, काला है या गोरा है, ना सब एक सार, सब कोई भेदभाव नहीं है वहाँ। बहुत इज्जत कलाकारों की। मेरे को तो मेक्सिको में चांस मिल गया था, सबको पता है, ये पूरन जी को भी पता है, अंग्रेजी के साथ। एक अंग्रेजी मेरे को कह रही थी किशन तुम यहीं रहो मेरे साथ 5 साल, मैरिज करने लगी। मैं कहा मेरी माँ मेरे खुद ही 10-12 बच्चे, मैं अपने को देखूँगा, तेरे को वहाँ देखूँगा। कहने लगी आप मेरे साथ चलो वहीं रहो। उसको मैंने हिंदी भी सिखा दी थी, थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलती थी, नमस्ते करना, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कितने दिन प्रोग्राम किया, सबसे बातें करती थी। शादीपुर भी आई है वो, यहीं आई थी मेरे लिए बार्सिलोना से, मेक्सिको से। बाकी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ फोटो नहीं है? हाँ है, एलिजाबेथ है। हाँ डांस सिखा रहे हैं, खूबसूरत है, कोई ठीक सी आप पुरानी फोटो है। मेरी जब तक जिंदगी रहेगी मैं जब तक अपना ये भैरूपियों का रूप करूँगा, और भैरूपिया तो ही हूँ मैं खानदानी, यही रूप करूँगा और ऐसे दुनिया के लिए हंसाऊँगा, दुनिया के लिए बनाऊँ हूँ और दुनिया का मनोरंजन करने के लिए बनाऊँ और दुनिया के लिए यानी कि दिल जीतने के लिए, भाई अच्छा काम किया या बुरा काम किया है, बस यही मेरी चोरी, यही मेरी डकैती है, यही मेरी खेती है। बस अपनी मेहनत करते हैं तो खाते हैं, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है मेरे मालिक। किशन भाई गाना बजाओ एकदम जोर से और आप लोग भी गाओ उनके साथ। क्या करता है आजकल? तुझे मैं दिल्ली में काम लगा दूँ करेगा? समझता नहीं हो। तनखा तनखा जो सारू खाना उधर रहना सोना सब कुछ उधर मिलेगा। हाँ मगर रात और दिन तुझे वही रहना पड़ेगा। नहीं तो रहेगा तो मेरा नंबर ले ले। सुख के सब साथी दुख में ठीक।
सुनो तो बाहर की तू माटी फाके बाहर की तू माटी फाके मन के अंदर तू ना जाके फिर क्यों तूने सारी उमरिया फिर क्यों तूने सारी उमरिया पाप की गठरी खाएंगे भैया कहाँ निकल जाओगे खाना तो खा के जाओगे निकल जाओगे तुम्हारे पास तो गाड़ी है एक मिनट का काम है राजस्थानी खाना नहीं खा के जाओगे तो आपको पता क्या लगेगा जीवन आनी जानी छाया आनी जानी छाया झूठी माया झूठी काया झूठी रे माया झूठी काया फिर क्यों सारी सारी उमरिया Ha ha ha!